आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। कल जिला प्रशासन की एक बैठक के बाद हिंदुस्तानी मीडिया पर एक खबर चलाई गई थी कि मधुबनी जिला में कोरोना पॉजिटिव की तादाद एक बार फिर बढ़ रही है, लेकिन आज इस सिलसिले में मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने पत्रकारों को बताया है कि कल ही इस बात की जांच की गई तो ऐसा पाया गया कि जिला में कोरोना के बढ़ने की जो तादाद थी वो उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कोरोना मरीजों की कोरोना पॉजिटिव की तादाद नगण्य है। इस बारे में पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने बताया कि कल ऐसा हो सकता है किसी तकनीकी कारण से जांच में या एंटीजन किट में गड़बड़ी की वजह से इस तरह की रिपोर्ट आ गई है, जिससे लोगों में भी एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कोरोना संबंधित जो गाइडलाइन है उसका पालन न करें, उसे सख्ती से पालन करना है। लेकिन एक टीम बनाई गई है जो इस बात को की जांच करेगी, इस बात की जांच कर ये पता लगाएगी कि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आया तो फिर इसकी वजह क्या थी। हो सकता हो कि एंटीजन किट वगैरह में ही कोई गड़बड़ी रही होगी, अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तो इसकी भी जानकारी आप प्रेस के जरिए जिला वासियों को दे दी जाएगी। इसी संबंध में आज हमने हमारी टीम पहुंची रेलवे भदोही रेलवे स्टेशन पर, जहां पाया गया कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और फिर उसके अलावा जो टीकाकरण का काम है वो सख्ती से चल रहा है और लोग टीका भी लेने का काम कर रहे हैं। देखिए सिविल सर्जन मधुबनी ने हिंदुस्तानी मीडिया से क्या कहा। सर, बीते तीन चार दिनों से ये खबर आ रही है कि एक बार फिर मधुबनी में पॉजिटिव की तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी क्या सच्चाई है, इस पर आप बताएं। हाँ, इसमें कुछ सच्चाई तो है, यहाँ तक सच्चाई है कि स्टेशन पर बीते 3 दिनों में जो जांच किया गया रैपिड एंटीजन से, उसमें अनायास ही अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। पहला दिन 11 मिला तो हम लोग सोचे कि ये नॉर्मल हो सकता है, बट दूसरे दिन से 30-40 जिसने मिलने लगे तो हम लोगों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या कि पूरे ज़िले में हमारा जांच हो रहा है, कहीं एक भी केस नहीं निकल रहा है। यही ट्रेन गया पटना होते हुए आ रही है, वहाँ जाँच में कुछ नहीं निकल रहा है, और इस तरह से और जितने भी पेशेंट आ रहे हैं किसी को कोई लक्षण नहीं है। जब सबका हुआ हिस्ट्री पूछे जाने पर उन लोग ने किसी ने नहीं कहा कि मैं कोरोना के पेशेंट के संसर्ग में आया हूं, तो इससे लगे नहीं, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। और एक बात यह भी है कि जब कोई भी बीमारी बहुत कम हो जाता है समुदाय में, कम्युनिटी में, तो ये नियम है कि इस तरह का फॉल्स पॉजिटिव केस बढ़ता है, ये लिटरल मतलब कि ये टेक्निकल बात है। तो इसीलिए हर एक केस को हमको क्रॉस वेरीफाई करना ही चाहिए। यही सोचते हुए हम लोगों ने डीएम साहब के निर्देश पर हम लोगों ने सोचा RT-PCR हमको हर केस का कराना है। इसीलिए जितने भी केस 3 दिन में आए हैं जिसका कि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हुआ, हम लोग ने विचार किया कि इसका RT-PCR कराना है। लेकिन सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे, उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी गई थी। अब फिर RT-PCR के लिए जो LT जा रहे हैं या BHM जा रहे हैं तो काफ़ी सुदूर में कुछ लोग भाग जा रहे हैं, कुछ लोग अपने ननिहाल, कुछ लोग नेपाल चले गए, उन लोग का भी हो रहा है। बट 28 केस का हम लोगों ने ले लिया, 28 केस का लेके कल हम लोगों ने सैंपल मधुबनी मेडिकल कॉलेज भेजा। और उसके बाद फिर उसी रात में जब हुआ कि नहीं, अब RT-PCR भी कराना है, तो उसके बाद वाले सब ट्रेन में हम लोगों ने RT-PCR ही कराना सोचा, और 120 केस उसका भी पवन एक्सप्रेस का भी भेजा। तो कल जो हम लोगों को 28 + 120 = 148 का रिपोर्ट जो आया कल रात के 1 बजे, वो सभी निगेटिव हैं। तो इतना ही निगेटिव आना ये अपने आप में एम्पल प्रूफ है कि वो सारे टेस्ट गलत थे। तो अब गलती क्यों हुई, अब उस पर हम लोग ये बात एंटीजन टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आए, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि वो गलत रिपोर्ट आ गई है, फिर ये तो बहुत भयावह बात पैदा करती है। एंटीजन को विश्वास नहीं है या फिर कोई फॉल्ट थी? वो ठीक है, सही बात है। इसी के लिए मैंने आज एक जांच दल गठित किया है, कहीं भी कुछ होता है एक्सीडेंट या कुछ एनोमिलस रिपोर्ट आता है तो एक जांच टीम गठित होनी चाहिए। तो हमारे जो सबसे सीनियर डॉक्टर हैं वो ट्यूबरक्लोसिस के ऑफिसर भी थे, उनको CVNET इस तरह की जांच का अनुभव बहुत ज़्यादा है, बहुत दिन रहे, और दूसरे और डॉक्टर जो भी CDO हैं उन दोनों को चेयरमैनशिप ACMO साहब के चेयरमैनशिप में 5 सदस्यीय कमेटी मैंने गठित की है। उसमें एक
एलटी ऐसा है जिसने कि कोविड के टेस्टिंग में दिल्ली से ट्रेनिंग भी ली है। तो इस तरह के सब टेक्निकली इक्विप्ड पर्सन्स को मैंने टीम में रख के जांच दल गठित किए आज ही। उनको कहा है कि मैंने 24 घंटे में आपने आप उनको रिपोर्ट दीजिए। कहा कि एरर हो सकता है या तो प्रोडक्ट से के फॉल्ट से, एरर हो सकता है या तो प्रोसेस के फॉल्ट से, या वो एरर हो सकता है कि जो डाटा एंट्री है उसके फॉल्ट से, या कुछ नेचुरल अदर फैक्टर्स है। तो इस सब का जो एक आदमी हम सक्षम नहीं है कम्प्लीटली कि हम सबके बारे में ओपाइन कर सकें, इसीलिए एक कमेटी गठित की जाती है। इसीलिए कमेटी गठित कर दी हमने, उसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है 24 घंटे में। बट एक राहत की बात हुई कि ऐसी बात नहीं, हम लोग सेफ हैं। हम भी काफ़ी जब से आए हैं तब से टोटल 17 लाख जाँच जिला में मेरे ही समय में हुआ है। इसीलिए बना बनाया घर हमारा ढह जाए इस तरह से अचानक, हम लोग भी काफ़ी टेंशन में थे और ये राहत भरी खबर हुई कि जिलावासी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कल डीएम साहब और एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी कि कोरोना से ऐसे रहना है और मास्क लगाना है वरना फाइन वाइन का, फिर इस पर क्या होगा? यहाँ के जिलावासियों को अपनी बताएं, उन लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया है, लोग अलर्ट हो गए हैं, भीड़ भाड़ में नहीं जा रहे हैं, फिर इस पर क्या करते हैं? ऐसा है कि एक शब्द होता है ना, आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कभी कभी हो गया माहौल इस तरह का पैदा, तो हम तो हमेशा कह रहे हैं कि आप लोग मीडिया वाले इस तरह का माहौल पैदा करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग छोड़े नहीं, तो ठीक है, गैर कर तो करना ही चाहिए। इसमें कहाँ गड़बड़ी है? सरकार ने कभी कहा कि अब मास्क नहीं लगाइए? सरकार ने कभी कहा कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाइए? इंद्र पूजा हो रही थी, उसमें भी हम लोग को बहुत आदमी आप ही लोग के बीच में कह रहे थे कि सर जाके देखिए कितनी भीड़ है, लोग कुछ नहीं मान रहे हैं। तो चलिए, ये सब आखिरी बात आपसे, क्या सर ये तीसरी लहर की जो बात चल रही है, क्या इसकी आशंका है बनी हुई अभी? हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। वैक्सीन इतनी ज़्यादा संख्या में वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि टोटल लोगों को दे दें, और उसका असर देख भी रहे हैं। और इतना अलर्टनेस देखा ना, हम लोग को केस मिला, हम लोग ने तुरंत उसका उद्भेदन कर लिया कि कहाँ फॉल्ट है। तो इतने अलर्ट हम लोग हैं कि पूरी मशीनरी लग गई, और 2 दिन के अंदर में बात सामने आ गई कि नहीं सो ये एरर इस कारण से था। तो इसीलिए हम लोग तीसरी लहर की बात अभी हम लोग को लग नहीं रही है, लेकिन जब है वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग आँख मूंद के नहीं बैठे हुए। धन्यवाद सर। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात, आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.